आप एक आरोप लगाए हैं, बेहद गंभीर आरोप है, किसके ऊपर लगाए हैं, क्या आरोप है ये? प्रोटेक्शन लेके मैं गई थी, मुझे उनकी जो जो मानसिकता थी वो मुझे समझ में भी आ गई थी। तो हम चाहते नहीं, पूरे मामले की पूरे वाक्य की कोई शिकायत कभी करी? मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं करी। आज मैं पहली बार मीडिया के सामने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है जंतर मंतर पर। बाकी भी बहुत सारे भी लोग हैं जो बहुत सारी हरकतें हमें सुनने को मिली हैं, उनका नाम समय आएगा तब हम बताएंगे। दिल्ली में एक तरफ जहाँ जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना चल रहा है, तो वहीं एक और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। कविता दलाल हमारे साथ मौजूद है। कविता जी, ये बताइए किस तरह की खिलाड़ी आप रही हैं और क्या आरोप आप लगा रही हैं आज? देखिए, मैं वेटलिफ्टिंग की नेशनल चैंपियन, नेशनल गेम्स चैंपियन और साउथ एशियन गेम्स चैंपियन रही हूँ। उसके बाद मैं WWE की भारत की पहली WWE रेसलर बनी। राष्ट्रपति जी ने मुझे फर्स्ट लेडी अवार्ड से सम्मानित भी किया। और सबसे बड़ी बात जो है, मैंने वर्ल्ड लेवल पर जाकर सूट सलवार पहन के WWE के मैचेस खेले, जिससे एक संस्कृति की जो बात है। आप एक आरोप लगाए हैं, बेहद गंभीर आरोप है, किसके ऊपर लगाए हैं, क्या आरोप है ये? देखिए, ये आरोप मैं एक पर्टिकुलर आदमी की जो मैं बात करूं, मैं अपनी बात तो मेरी बहुत पुरानी होगी, लेकिन आज के टाइम अगर हम देखते हैं तो हर संघ में, हर फेडरेशन में ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं जो चाहते हैं लड़कियों को किसी न किसी तरीके से अपने चंगुल में फंसाना। आपका जो ये वाक्य है, कौन से साल का है, कहाँ का है और क्या वाक्य है? ये 2008 की बात है जो मैंने आपको बताई। ये लखनऊ की बात है। उस दौरान जो परिस्थितियां पैदा की गई थी वो भी सेम यही थी कि एक साइन करवाना था मुझे एप्लीकेशन पर परमिशन लेने के लिए, ना खिलाना। और फिर कौन बुलाता था? नहीं, बुलाता नहीं था, वो फर्स्ट टाइम था मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड जो है, बड़ी केयर से प्रोटेक्शन लेके मैं गई थी, मुझे उनकी जो जो मानसिकता थी वो मुझे समझ में भी आ गई थी। लेकिन एक खिलाड़ी यहाँ पर इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपना इतना लंबा कैरियर और किस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। और बहुत सारे सपने होते हैं, प्रोटेक्शन के साथ मैं वहाँ गई। और लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, तो वहाँ से मैं अपने हस्बैंड को साथ में लेके गई थी। वो नीचे ही खड़े हुए थे और सबसे ऊपर मैंने नंबर भी उनका डायल करके रखा था कि अगर ऐसी कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती या कुछ इस तरीके की होती है तो मैं उनको बुला लूँ। तो हम चाहते नहीं। पूरे मामले की, पूरे वाक्य की कोई शिकायत कभी करी? मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं कही। आज मैं पहली बार मीडिया के सामने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है जंतर मंतर पर, और मेरा सामने आना भी बहुत जरूरी मैंने अपना फर्ज समझा कि जब जो खिलाड़ी एक लेवल पर पहुंचे हुए हैं, जिसको लाखों लड़कियां फॉलो करती हैं, लाखों लड़कियां मोटिवेट होती हैं, उनके साथ अगर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो वो जो हमारी बच्चियां जो अभी अभी मैदान में उतरी हैं, वो कितने खतरे में हैं? आखिरी सवाल आपसे, ये जो आरोप आपने लगाए हैं, किसके ऊपर लगाए हैं, कौन था वो शख्स, क्या फेडरेशन था, कौन था? देखिए, उस टाइम फेडरेशन के ये अध्यक्ष थे। बाकी भी बहुत सारे भी लोग हैं जो बहुत सारी हरकतें हमें सुनने को मिली हैं, उनका नाम समय आएगा तब हम बताएंगे। लेकिन मैंने ये नाम आपको पहले भी बता चुकी हूँ। IPS हरभजन सिंह थे। मुझे नहीं पता अब वो जिंदा हैं या मर गए हैं, उस वक्त भी उनकी एज काफ़ी थी। और वो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे उस टाइम। तो कविता दलाल हैं, ये आरोप लगा रही हैं कि 2008 में इनके साथ भी इस तरह की हरकत की गई थी, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वो चुप रही। कैमरामैन गुरजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़।